कारों का मेला चल रहा है और इस वक्त हम यहाँ हॉल नंबर 5 में मौजूद हैं। यहाँ पर हमारी नज़र एक गाड़ी पर पड़ी जो बड़ी ही खास लग रही है अपने आप में देखने में। प्रवेग कंपनी है जिसकी ये कार है और इलेक्ट्रिक व्हीकल है, वीर इसका नाम है। अपने आप में बेहद खास है। जब हम आ रहे थे तो हमारी नज़र इसके ऊपर पड़ी। एक आर्मी व्हीकल है ये, इंडियन आर्मी के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। क्या कुछ इसकी खासियतें हैं और क्यों ये सबसे अलग लग रही है देखने में, कंपनी ने इसमें क्या कुछ दिया है, क्या क्वालिटीज़ हैं, सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रवेग कंपनी की एक रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि क्या इस बार वीर में ऐसी खासियतें हैं जो इंडियन आर्मी को मदद करेंगी, खासतौर से बॉर्डर एरियाज में। मैम आप बताइए वीर के बारे में कि वीर किस तरीके से एक स्पेशल कार। सबसे स्पेशल जो ये गाड़ी है कि इट इज़ अ मेक इन इंडिया गाड़ी है। बैंगलोर बेस्ड कंपनी है। 90 किलोवाट की बैटरी है और 0 to 100 चार्ज 30 मिनट्स में हो जाती है। 500 किलोमीटर्स प्लस का रेंज देती है। ऊपर इंडियन आर्मी के लिए जैसे आप देख सकते हैं माउंट्स दिए हुए हैं जहाँ वेपन और ड्रोन्स माउंट किए जा सकते हैं। आगे थर्मल इमेजिंग कैमरा है जिसका डिस्प्ले इंफोटेनमेंट सिस्टम पे भी दिख सकता है। -20 to +60 की टेम्परेचर रेंज पे वो टेस्ट हो चुका है और चल सकती है और ये ऑल टेरेन व्हीकल, ऑल व्हील ड्राइव है। तो हमने सुना मैम इसकी जो और क्वालिटीज़ है उसमें ये भी है कि ये 900 mm तक पानी में भी ये इसको चलाया जा सकता है। तो बॉर्डर एरियाज़ में जो रिमोट एरियाज़ होते हैं वहाँ पर कई बार लोकेशंस ऐसी होती हैं जहाँ आर्मी को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कैसे काम करेगी वहाँ पर? तो ऐसी जगह पे ना जैसे पेट्रोल कैरी करना, डीजल कैरी करना, उस चीज़ की कभी झंझट नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी की कभी कोई मुश्किल नहीं होती है। और बॉर्डर एरियाज़ पे आपको पेलोड ज़्यादा चाहिए होता है जहाँ आपको बहुत हैवी मशीनरी कैरी करनी होती है और ये 700 grams और आगे कस्टमाइजेबल वेट कैरी कर सकती है। तो मैम अभी इसका ट्रायल चल रहा है, लॉन्चिंग को लेकर के क्या प्लानिंग कंपनी की तरफ से? अभी काफ़ी जगह ट्रायल्स चल रहे हैं और रजिस्ट्रेशन एंड सर्टिफिकेशन चल रही हैं। अभी बात आगे बढ़नी बाकी है और जैसे बढ़ती रहेगी आप तक खबर पहुँचती रहेगी।